सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएमईजीपी का आज प्रधानमंत्री के 72वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर 720 यूनिट में 72 यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। वहीं हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड के फसई गांव में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के द्वारा मनोज प्रकाश को मसाला उद्योग के लिए 20 लाख का वित्त प्रदत्त किया गया। इस यूनिट का भी उद्घाटन एमएसएमई के निदेशक श्री नारायण राणे के भी आईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार एवं के भी आईसी के निदेशक श्री संदीप सोनावने के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर एमसी पॉल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे द्वारा एवं सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले एवं अन्य को रोजगार देने का काम करें। वहीं वित्त प्रदत्त लाभों को मनोज प्रकाश ने कहा कि यूनिट के माध्यम से शुद्ध मसाले का निर्माण कर उपभोक्ताओं को उचित दर पर थोक एवं खुदरा बेचने का काम करेंगे, जिससे लोगों को मिलावट से होने वाली बीमारी से निजात मिलेगी। ग्रामीण किसानों से कच्चा माल खरीद कर उन्हें भी मुनाफा कर एवं लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस मौके पर रांची के निदेशक हजारीबाग जिला उद्योग केंद्र के श्याम कुमार गुप्ता, ग्रामीण बैंक कटकमदाग के शाखा प्रबंधक, कटकमदाग जिला परिषद सदस्य एवं कई ग्रामीण शामिल थे। जिला ब्यूरो मुकेश कुमार के साथ अभय कुमार की रिपोर्ट। सर, अभी आप ग्रामीण बैंक के लोगों को किस तरह का मदद कर रहे हैं यूजीपी में? अभी हम लोग जो है सर, अपने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के तरफ से हमारे जो हजारीबाग क्षेत्र है उसके अंतर्गत करीब 36 शाखाएं हैं। 36 शाखाओं में डिफरेंट चार डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। अब पीएमईजीपी के अंतर्गत अभी हम लोगों ने करीब 20 यूनिट्स को लोन प्रोवाइड कर चुके हैं और ये जो यूनिट है आप देख रहे हैं उनमें से एक है। इसमें हम लोग 20 लाख का एक लोन दिए हैं, 19 लाख का लोन दिए। इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख है और इसमें 19 लाख में इनको 7 लाख का केजीआईसी की तरफ से सब्सिडी भी मिला है। तो हम लोग अभी प्रोत्साहित कर रहे हैं गांव में जाकर के लोगों को कि इस पीएमईजी के भारत सरकार का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है पीएमईजी का, उसका अधिक से अधिक लोग इसका फायदा लाभ जो मिला किस चीज के लिए मिला, किस मतलब किस चीज का उत्पादन करेंगे सर? जो लोग ये मसाला का प्रोडक्शन करेंगे, कच्चा माल अपने गांव से इधर खरीद के लाएंगे और उसका मसाला का पीस, जैसा मसाला में हल्दी हुआ, जीरा हुआ, आटा का पिसाई भी है, डिफरेंट तरह का मसाला का यहाँ प्रोडक्शन होगा और इसका पैकिंग करके सेल्स करेंगे। आज कितने लोग का ऑनलाइन उद्घाटन हो रहा सर? इसमें पूरे भारतवर्ष में आज 72 पीएमईजीपी के अंतर्गत 72 यूनिट्स का उद्घाटन ऑनलाइन माननीय हमारे जो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं नारायण राणे जी, उनके द्वारा ये उद्घाटन हो रहा है और इसमें से झारखंड में एक ही यूनिट है जो कि हमारा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत शाखा के द्वारा घोषित किया गया है यूनिट। उसमें लोग जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ये हमारे लिए कम से कम हमारे झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र के लिए काफ़ी एक गौरव का क्षण है कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा यूनिट जो पूरे भारतवर्ष में जो 72 में से एक यूनिट है जो लिया गया है झारखंड का है और इस तरह के यूनिट का अधिकतर लोग फायदा उठाएं, सरकार के सब्सिडी का फायदा उठाएं और लोगों का भी रोजगार में सहयोग प्रदान करें। मनोज प्रकाश। अच्छा, आपको अभी पीएमईजीपी के द्वारा किस तरह का लाभ मिला, कौन बैंक से मिला? पीएमईजीपी का लोन हमारा मिला जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के माध्यम से, इसमें हमने यूनिट डाला सर्विसेज के नाम से। इसमें हमारा मसाला सूजी मैदा बेसन और सरसों तेल। कब आपने अप्लाई किया था? हमने मई में अप्लाई किया था, मई 2020 में। कितने का अप्लाई किया था? 20 लाख। यूनिट में क्या क्या निर्माण करते हैं? क्या क्या निर्माण करते हैं? मसाला का सारा करते हैं, सूजी है, मैदा है, बेसन है, आटा है और चटनी है। तो आपके मन में विचार कैसे आया कि हमें मसाला का उद्योग लाना चाहिए? तो कुछ हमारा फिजिकल प्रॉब्लम हुआ था मसाले के कारण, जहाँ हमें लगा कि लोगों के बीच में मसाला का असुविधा ज्यादा जा रही है, तो हमने शुद्धता की ओर ध्यान देते हुए। कहाँ कहाँ सप्लाई करेंगे सर? मार्केट में सप्लाई करेंगे प्लस होम डिलीवरी। कितने वर्कर अभी आपके पास काम कर रहे हैं? 8 से 12 वर्कर। 8 से 12। कितने का वित्त प्रदत्त मिल रहा है? 20 लाख रुपये का है। 20 लाख। अच्छा, माल कहाँ से लाते हैं? हजारीबाग और बनारस से आता है।
आज आप जो इनिशिएटिव किया इसलिए कितने धन्यवाद देना चाहेंगे? हम तो सर्वप्रथम आभार व्यक्त करेंगे उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा नाम को सिलेक्ट किया और सारे लोग हमें सहयोग किए, मीडिया हो गया, ग्रामीण बैंक के आर ओ हो गए, खादी ग्रामोद्योग से नरेंद्र सर हो गए, डीके सर हो गए, डीके सर हमारे हो गए, सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया, सभी का धन्यवाद। और विशेष माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर दोबारा जन्मदिन का हार्दिक शुभकामना सब परिवार की ओर से देना चाहते हैं, खादी ग्रामोद्योग की तरफ से, झारखंड ग्रामीण बैंक की तरफ से। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।